अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरम और मैं बना रही हूँ बेकरी स्टाइल की बहुत हस्ता मीठी टिक्किया। इसका टेक्सचर आप चेक करें, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरह की टिक्किया बनाने के लिए मैं दूंगी आपको कुछ टिप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 4 कप मैदा और 2 कप चीनी, इसको मैंने पाउडर बना लिया है। 1 कप सूजी और 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और मैं थोड़ा सा ऊपर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, और फिर इन सबको मैं एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ ताकि इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। दो कप में डाल रही हूँ इसमें कोकोनट पाउडर, इससे टिकिया बहुत अच्छी बनती है। और 1 कप ऑयल का, अगर आपके पास घी है तो बहुत अच्छा है, घी से बनाने से टिक्की का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और फिर इन सबको मिक्स कर लें। तिल मैंने डाले हैं 1/2 कप, रोस्टेड है ये। तेल को अच्छी तरह से सारी चीज़ों में मिक्स कर लें ताकि इसकी कोटिंग हो जाए और जब आप डो बनाएंगे तो डो लेस दार ना बने। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं, और अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो आप दूध से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, और दूध भी आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। और अंडों को आप फेंक के भी डाल सकते हैं, मैं इसको यहीं पे मिक्स कर रही हूँ। और जब मैंने ऑयल को सारे मटेरियल में इसलिए अच्छी तरह से मिक्स किया था ताकि अब जब मैं इसको गूंदूँगी तो ये लिक्विड को जस्ट करके लेस ना छोड़े, इसकी डो दानेदार तैयार हो। तो इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको माइंड में रखना ज़रूरी है, इनके अकॉर्डिंग बनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं। अब हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है। और जब अगर ऑयल दूध की ज़रूरत पड़ती है तो आप साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड करें, और ध्यान रखना है कि ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना ताकि वो ढीले ना पड़ जाए। इसका टेक्सचर ना ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बिल्कुल इस तरह आप देख सकते हैं, इसको चेक करें, दानेदार एकदम। और साथ ही मैं अब इसकी टिकिया बनाना स्टार्ट कर दूंगी। सरफेस पे मैं मैदा छिड़क रही हूँ, और आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसको फ्लैट कर लें हाथों की मदद से, और फ्लैट करते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि ना ज़्यादा इसको आपने मोटा रखना है और ना ज़्यादा इसको पतला रखना है, ताकि टिक्की अगर मोटी बना लेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी फ्राई करते वक्त, और अगर ज़्यादा पतली बनाएंगे तो वो बिल्कुल पापड़ की तरह बन जाएगी। ऑयल मैंने मीडियम आंच पे रख दिया था, अभी आप पहले इसको चेक कर लें। ये अब बुलबुले छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर सही है टिक्कियों के लिए, ना इसको आपने ज़्यादा हीट अप करना है और ना कम टेम्परेचर पे डालनी है। अगर ज़्यादा हीट पे डालेंगे तो टिक्कियों ऊपर से एकदम लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर आप कम हीट पर डालेंगे तो वो ऑयल को जस्ट कर लेंगी और फूल जाएंगी, वो सही से फ्राई नहीं होंगी। तो टेम्परेचर को आपने पहले ज़रूर चेक करना है और मीडियम हीट पे ही इनको बनाना है। तो साथ साथ मैं और टिकिया बनाती हूँ जितना वो फ्राई होती हैं, और उन पे आपने नज़र रखनी है, देखते जाना है, एकदम से लाल ना हो जाए। अब यहाँ करीब से आप इसका देख सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। अब मैं इसको फोर्क से सुराख कर रही हूँ, तो इससे ये होता है कि टिक्की अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है और फूलती नहीं है। और ये मैंने बिना सुराख के बनाई है, इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी फूली नहीं, अच्छी बनी है। तो लाइट गोल्डन होने में आपने इसको पलट देना है, क्योंकि जितनी देर में दूसरी साइड होगी तो ये भी फ्राई हो जाएगा, इसका कलर सही हो जाएगा। अब आप देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह
फटाफट आप इसको बना के चाय के साथ यूज कर सकते हैं। आप कहीं फैमिली में जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं बना के, बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत इजी बनना है और बहुत मजे की होती है। तो बच्चों के लिए आप इसको डिफरेंट शेप्स से भी बना सकते हैं ताकि बच्चे खुशी से खा लें, और आप इनको बना के रख भी सकते हैं, ये कुछ टाइम चल जाती हैं, इतनी जल्दी खराब नहीं होती। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। अब मैं इसको कुछ शेप्स से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, और आप इनको ट्राई करें और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सर इनकी रेटिंग हो गई है। और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।